बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सपना नेटवर्क में आप सबको खुश आमदी। तमाम नए आने वाले नाज़रीन से हमारी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन के बटन को दबाना मत भूलें। नाज़रीन, कल पाकिस्तान ने ज़मीन से ज़मीन मार करने वाले गजनबी मिज़ाइल का शानदार तजुर्बा किया है, जो कि एक कामयाबी से हम किनार हुआ है। गजनबी मिज़ाइल 290 किलोमीटर तक के हेडबॉल ले जाने की सलाहियत रखता है और ये ज़मीन से ज़मीन तक के अदब को कामयाबी से निशाना बना सकता है। इस बात का इजहार कल मेजर जनरल आसिफ गफूर ने अपने ज़ाती ट्विटर अकाउंट से किया है और इसमें उन्होंने इस मिज़ाइल की एक वीडियो भी शेयर की है, जो कि हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। चले आइए पहले इस वीडियो की तरफ चलते हैं। जी नाज़रीन, आपने इस बैलिस्टिक मिज़ाइल की वीडियो देखी, यकीनन आपको पसंद आई होगी। TGISPR का कहना था कि इस मिज़ाइल गजनबी मिज़ाइल का रात के वक्त में तजुर्बा किया गया है और ये मिज़ाइल 290 किलोमीटर तक मार करने वाला गजनबी मिज़ाइल है। इस मौके पर इस कामयाब तजुर्बे पर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल ज़ुबैर महमूद हयात और तीनों मुसल्ला फौज के सरबराह ने तजुर्बे करने वाली टीम को मुबारकबाद दी। सदर ममलिकत आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम को मुबारकबाद देते हुए साइंसदानों और इंजीनियरों की कावशों को सराहा है। याद रहे, पाकिस्तान की जानिब से गजनबी मिज़ाइल का तजुर्बा ऐसे वक्त में किया गया है जिस वक्त में पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात बहुत कशीदा हैं और बॉर्डर की सिचुएशन से आप और हमतन हमारे इल्म में है और हमें पता है कि इस वक्त बॉर्डर पे क्या सिचुएशन है, जिसके ऊपर हमारी पाक फौज, हमारे सियासतदान, हमारी एजेंसी नज़र रखी हुई है। मैं आपको एक बात और बताता चलूँ कि पाकिस्तान ने मई में ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाले मिज़ाइल शाहीन 2 का भी कामयाब तजुर्बा किया था और शाहीन 2 बैलिस्टिक मिज़ाइल 1500 किलोमीटर तक के आदाब को अब कामयाबी से निशाना बना सकता है। शाहीन 2 मिसाइल का तजुर्बा बेरे अरब में किया गया था। बैलिस्टिक मिज़ाइल न्यूक्लियर हेडवार भी ले जा सकता है। तजुर्बान पाक फौज का कहना था कि शाहीन 2 खत्ते में दफाई सलाहियतों को तकवीत देने के का बाइस है और स्ट्रेटजिक ज़रूरियात को मौसर अंदाज में पूरा करने की भी सलाहियत रखता है। इससे कबल भी पाकिस्तान ने 31 मई को एक नसर बैलिस्टिक मिज़ाइल का भी कामयाब तजुर्बा किया था। तो नाज़रीन, हमारी पाक फौज हर वक्त तैयार है। अगर इंडिया एक बम हम पे गिराता है तो उसके मुकाबले में हम 10 बम उसके ऊपर गिराने की सलाहियत रखते हैं और इंशाल्लाह एक दिन हम अपने कश्मीर को भी आज़ाद करवाते रहेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।